हेलो नमस्कार, क्यूरियस रेसिपीज में आप सबका स्वागत है। आज हम बालूशाही बनाने वाले हैं। तो बालूशाही बनाना बहुत ही आसान है। हलवाई जैसी खस्ता, परतदार और रसीली बालूशाही बनती है, तो इस बार दिवाली में आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। बालूशाही बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 कटोरी मैदा लिया है। उसके बाद 1 कटोरी से थोड़ा सा कम हमें घी लेना है, और ये मैंने यहाँ पे बेकिंग पाउडर लिया है। आप किसी भी ब्रांड का बेकिंग पाउडर ले सकते हैं। स्वाद के लिए थोड़ा सा हम इसमें नमक डालेंगे। तो ये देखिए, यहाँ पे मैंने स्ट्रेनर लिया है, इसमें मैं मैदा डालूंगी। अगर मैदा में कोई इम्प्योरिटीज है तो वो भी निकल जाएंगी। तो ये 2 कटोरी मैदा लेना है। उसके बाद हम इसमें हल्का सा नमक डालेंगे। नमक डालने के बाद इसमें 1 छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर डालना है। उसके बाद इन सारी चीजों को अच्छी तरह से छान लेना है। तो ये देखिए, ये हमने छान लिया है। इसके बाद हम इस आटे में ये जो घी है ये डाल देंगे। घी डालने के बाद हमें ये आटे में अच्छी तरह से घी को मिक्स कर लेना है। तो आप देख सकते हैं, ये जो घी है वो आटे में अच्छी तरह से मिल गया है। अब देखिए, ये जो इस तरह से इसका लड्डू तैयार हो जाता है, मतलब ये बहुत अच्छी तरह से मिल गया है। अब हम इसका आटा गूंदेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हम इसका आटा गूंद लेंगे। आटे को हमें बहुत ज्यादा मसल के नहीं गूंदना है, इसे बस हमें इस तरह से बाइंड करते जाना है। तो रोटी के लिए जिस तरह से आटा गूंदते हैं वैसे गूंदेंगे, तो बालूशाही की जो लेयर्स होती है वो नहीं आएगी। अब इसमें पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो हम इसे इसी तरह से बाइंड करते जाएंगे। तो ये देखिए, ये इस तरह से आटा गूंद के तैयार है। इसमें बहुत ही ज्यादा लेयर्स दिख रहे हैं। ऐसा ही आटा हमें बालूशाही के लिए चाहिए। तो अब हम इसे 25 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। तब तक हम चाशनी बना लेंगे। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पे चाशनी बनाने के लिए 1 बड़ी कटोरी चीनी ली है, 4 से 5 इलायची को कूट के लिया है, और ये केसर का पानी है। केसर का पानी इसमें ऑप्शनल है। और चाशनी बनाने के लिए जो हम पानी इस्तेमाल करने वाले हैं वो हमें इसी कटोरी से 1/2 कटोरी लेना है। अगर आप 2 कप चीनी लेते है तो पानी भी 1 कप ही डालें। चीनी कढ़ाई में डाल देंगे। तो ये देखिए, ये 1/2 कटोरी पानी अब हमें इसमें डालना है और इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। गैस की फ्लेम को मीडियम पे रखना है। इसके बाद हम इसमें इलायची डालेंगे और हमें इसमें ये जो केसर का पानी है ये डाल के थोड़ी देर के लिए बॉईल कर लेना है। केसर का पानी डालने से जो चाशनी है उसका कलर भी बहुत अच्छा आता है, और जो बालूशाही है उसमें भी बहुत अच्छा कलर आएगा। ये देखिए, ये जो चाशनी है ये बनके तैयार है। इसका जो लास्ट वाला जो ड्रॉप है वो हमें देखना है। तो ये 1 तार वाली चाशनी बनके तैयार हो गई है। अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे। तो ये देखिए, ये जो आटा है अब ये इस तरह से हमें इसे तोड़ लेना है। इस प्रोसेस को हमें 7-8 बार करना है। है इसको मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर लेती हूँ, और ये जो पहला वाला पार्ट है इसे हम इस तरह से तोड़ेंगे। अब हम इसे इस हाथों से ही इसे फैला लेंगे और इसे कट कर लेना है। एक दूसरे के ऊपर रख देना है और फिर से इसे थोड़ा सा दबा दबा के इसे बीच में से फिर कट करेंगे। और ये प्रोसेस को अभी हमें 7-8 बार करना है। ये देखिए, ये जो लेयर्स है ये बहुत अच्छी तरह से आती है इसमें। अब हम आटे की एक लोई लेंगे। जिस भी साइज का हमें ये बालूशाही बनाना है उस साइज का हम बना सकते हैं। तो इसे इस तरह से गोल करके बीच में से इस तरह से दबा लेना है। दोनों तरफ से हम बीच में से इसे दबा लेंगे इस तरह से। ये देखिए, ये हमारी बालूशाही बन गई है। इसी तरह से हम बाकी भी बना लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी सारी बालूशाही तैयार है। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। ये यहाँ पे मैंने ऑयल गरम करने के लिए रख दिया है। अब हम इसमें ये जो थोड़ा सा आटा है ये डाल के देखेंगे। आप देख सकते हैं, ये जो ऑयल है ये बिल्कुल भी गर्म नहीं है, बहुत हल्का सा गर्म है। और हमें बालूशाही बनाने के लिए इतना ही गर्म तेल चाहिए। तो ये देखिए, मैंने 1 बालूशाही को तेल में डाल दिया है।
ऐसे ही छोड़ देना है। जिस तरह से ये जो आटा है ये ऊपर आया है, उसी तरह से हमारी बालूशाही भी ऊपर आ जाएगी। अब हम सारी बालूशाही को या फिर जितनी भी बालूशाही कढ़ाई में बैठती है उतने ही बालूशाही को कढ़ाई में डाल देंगे। जब तक ये बालूशाही अपने आप ऊपर नहीं आ जाती तब तक हमें इसे बिल्कुल भी टच नहीं करना है। तो ये देखिए, ये जो बालूशाही है ये अब ऊपर आ गई है। अब हम एक एक करके सभी बालूशाही को पलट देंगे और दूसरी साइड से भी इसे पकने देंगे। बालूशाही है, इसका जो कलर है थोड़ा सा सुनहरा होने लगा है। अब हम गैस की फ्लेम को मीडियम कर देंगे और इसे पकाएंगे। बालूशाही को उलटते पलटते हमें दोनों साइड से पका लेना है। बालूशाही को तलने के लिए कम से कम 10 से 12 मिनट लग जाते हैं। तो ये देखिए, ये जो बालूशाही है ये बनके तैयार है। अब हम इसे डायरेक्ट चाशनी में डालेंगे। गैस की फ्लेम को बंद कर देना है और इन्हें चाशनी में डाल देना है। चाशनी में इसे अच्छी तरह से डिप कर लेना है। 5 मिनट्स के लिए हम सारी बालूशाही को चाशनी में ही रखेंगे। तो ये देखिए, 5 मिनट हो गए हैं। अब हम ये सारी बालूशाही है इसको चाशनी से निकाल लेंगे। तो ये देखिए, ये हमारी बालूशाही बनके तैयार है। इसे मैंने पिस्ता से गार्निश किया है। आप इसे घर में जरूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए। ऐसे ही लजीज रेसिपीज जानने के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।